हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग अभी यूजीसी नेट के जुलाई 2018 के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, है ना, पेपर वन। तो ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 41 तक डिस्कस कर लिया और अभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द रिमेनिंग पार्ट्स, दैट मीन क्वेश्चन नंबर 42 टू क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। एंड अभी ये इस वीडियो में ये जो जुलाई 2018 का पेपर 1 है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाएंगे 2017 का एजुकेशन पेपर 2, ठीक है। आप लोग बहुत डिमांड कर रहे हो कि वो सेकेंड पेपर चाहिए, तो सेकेंड पेपर का वीडियो मैं लेके आऊँगी, ठीक है। 2017 का पहले लेके आऊँगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, if the proposition domestic animals are hardly ferocious is taken to be false, यहाँ पे क्या दिया है कि ये जो स्टेटमेंट दिया है ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है, ऐसे बोला है, ठीक है। तो ये अगर फॉल्स है तो इनमें से कौन कौन सा ट्रू है। तो यहाँ पे ये जो गिवन स्टेटमेंट है इसमें जो हार्डली वर्ड दिया है ना, हार्डली को हम लोग किसके साथ इक्वल मान सकते हैं, हार्डली को हम लोग नो के साथ इक्वल मान सकते हैं, ठीक है। तो डोमेस्टिक एनिमल्स आर हार्डली फेरोसियस, दैट मीन्स डोमेस्टिक एनिमल फेरोसियस नहीं होते हैं, हार्डली को हटा के हम लोग नो डाल सकते हैं। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि नो डोमेस्टिक एनिमल्स आर फेरोसियस, ठीक है। कोई भी डोमेस्टिक एनिमल फेरोसियस नहीं है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि ये जो स्टेटमेंट है ना ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये तो फॉल्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों ने अभी क्या बोला कि नो डोमेस्टिक एनिमल्स आर फेरोसियस, वो अगर फॉल्स है तो ट्रू क्या होगा, नो अगर फॉल्स है तो ट्रू क्या होगा, दैट मीन्स जितना भी डोमेस्टिक एनिमल्स है सब डोमेस्टिक एनिमल्स फेरोसियस है। समझ में आ रहा है कि नो यहाँ पे बोला डोमेस्टिक एनिमल्स आर हार्डली फेरोसियस, तो हार्डली को हटा के हम लोगों ने लगा दिया नो, तो नो डोमेस्टिक एनिमल्स आर फेरोसियस, ठीक है। वो स्टेटमेंट वो हो गया, लेकिन ये तो फॉल्स स्टेटमेंट बोला है। तो नो डोमेस्टिक एनिमल्स आर फेरोसियस अगर ये फॉल्स है तो ट्रू क्या होगा, नो अगर फॉल्स है तो ऑल ट्रू है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स आर फेरोसियस, और ऑल को मोस्ट भी कहते हैं, है ना। ऑल जैसे हार्डली को नो भी कह सकते हैं वैसे ऑल को मोस्ट भी कह सकते हैं, मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स आर फेरोसियस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज द आर द करेक्ट ऑप्शंस। तो कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 43। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 41 तक देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43, टू कम्युनिकेट वेल, यहाँ पे एसर्शन एंड रीजन दिया है। एसर्शन पे क्या दिया है, एसर्शन पे दिया है कि टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज़ अ नेचुरल एबिलिटी। क्लासरूम में हम लोग कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं वो एक नेचुरल एबिलिटी है, वो अपने आप हम लोगों में डेवलप होता है। लेकिन ये ट्रू नहीं है, क्योंकि क्या होता है कम्युनिकेशन स्किल ना, जो कम्युनिकेशन हम लोग दूसरों के साथ करते हैं वो नेचुरल एबिलिटी नहीं है, वो लर्न्ड एबिलिटी है। किसके साथ कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए वो हम लोग सीख सकते हैं, है ना, वो बाय बट हम लोगों में नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये नेचुरल एबिलिटी नहीं है, ये लर्न्ड एबिलिटी है। तो असर्शन, ये जो ए स्टेटमेंट है ना ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। अभी आर स्टेटमेंट क्या है, इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अगर इफेक्टिव टीचिंग कब होगा, इफेक्टिव टीचिंग होने के लिए नॉलेज, तो आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो टीचर एंड स्टूडेंट के बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो नॉलेज बेस होना पड़ेगा, है ना, तो तभी वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। तो ये ट्रू है, तो यहाँ पे ए फॉल्स है आर ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट कौन सा करेक्ट नहीं है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेन डायग्राम मेथड। वेन डायग्राम मेथड आप लोगों को मालूम ही है, जो हम डायग्रामेटिकली स्टेटमेंट को मतलब प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन जो देते हैं हम लोगों को। प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन किसको बोलते हैं हम लोग देखेंगे आगे जाके, ठीक है। ऐसे दो प्रीमाइसेस आपको दिया जाता है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, और मतलब उससे रिलेटेड कंक्लूजन आपको दिया जाता है, तो वो वैलिड है या नहीं वो देखने के लिए हम लोग वेन डायग्राम यूज़ करते हैं कोई भी स्टेटमेंट का वैलिडिटी देखने के लिए, है ना। तो ये क्या हो गया, कौन सा ट्रू नहीं है वेन डायग्राम से रिलेटेड। तो नंबर 1 पे दिया है इट रिप्रेजेंट बोथ द प्रीमाइसेस ऑफ ए सिलोजिज्म इन वन डायग्राम, ये दोनों प्रीमाइसेस को दिखाते हैं, ये तो ट्रू है, ठीक है। इट रिक्वायर्स टू ओवरलैपिंग सर्कल्स फॉर द टू प्रीमाइसेस, ये वेन डायग्राम ये नेसेसरी नहीं है कि वेन डायग्राम का जो सर्कल हम लोग बनाए वो ओवरलैपिंग सर्कल ही बने, ऐसा नेसेसरी नहीं है। ओवरलैपिंग सर्कल कब होते हैं, जब दोनों में कोई कॉमन पोर्शन होता है तब ओवरलैपिंग सर्कल बनते हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसे अलग अलग सर्कल भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये टू करेक्ट नहीं है। एंड इट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट क्लासेस, ये ठीक है और ये भी ठीक है, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट नहीं है पूछा था, इसीलिए टू इज़ द, ये टू करेक्ट नहीं है तो टू होगा ये इसका आंसर, ठीक है। चलो तो ये हो गया हिंदी वालों के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 45, सुपीरियोरिटी ऑफ इंटेलेक्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑन वन थीम इज़ द सेम वे। देखा है ये, जब हम लोग किसी के साथ कंपेयर करते हैं, कंपेरिजन जहाँ पे आते हैं वो एनालॉजी है, ठीक है। कंपेरिजन जहाँ पे करते हैं वहाँ पे एनालॉजी आते हैं, तो ये क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट दिया है ये एनालॉजिकल स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पे कंपेयर किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, डिफ्रेंशिएशन बिटवीन एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस आपको क्या एक्सेप्ट करना है या आपको क्या एक्सेप्ट नहीं करना है, हाँ, क्लासरूम में, क्लासरूम कम्युनिकेशन में, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या होता है मतलब उसको डिफ्रेंशिएट हम लोग कैसे करेंगे। एक्सेप्टेंस, मानो कि आप क्लासरूम में बैठ रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आपके टीचर कुछ आपको पढ़ा रहे हैं, तभी बाहर से कुछ नॉइज़ आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, अभी आप टीचर के बातें सुनोगे या बाहर के जो नॉइज़ आ रहे हैं वो सुनोगे, ठीक है। वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, ठीक है। तो अटेंशन आप कहाँ, किस पे अटेंशन दोगे, टीचर जो बोल रहे हैं उस पे अटेंशन दोगे या बाहर के नॉइज़ को अटेंशन दोगे। तो ऑब्वियसली आप टीचर के बातों को अटेंशन दोगे, है ना। वो सिलेक्टिव अटेंशन हो गया, मतलब अटेंशन कहाँ पे देना है, एक्सेप्ट कौन सा स्टिमुली एक्सेप्ट करना है, ठीक है वो, और कौन सा एक्सेप्ट नहीं करना है वो डिफ्रेंशिएट हम लोग कैसे करते हैं, सिलेक्टिव अटेंशन से करते हैं। मतलब आप सिलेक्ट करोगे कि किस पे अटेंशन देना है, ठीक है। तो नंबर 47 इन ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आप देखो ये भी चेंज होके W हो गया, ठीक है। तो V के बाद W आते हैं, K के बाद क्या आते हैं, L आते हैं, तो L वाला तो 2 है यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद देखो ये जो A है, A जाके C हो गया, तो बीच में B गायब है ना। A के बाद C, तो बीच में B गायब है, तो यहाँ पे O के बाद क्या होगा, O P गायब होगा, तो O के बाद Q आएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये करेक्ट है एल क्यू। बाकी नहीं देखने से भी होगा क्योंकि एल के रिलेटेड दो ही थे, ऑप्शन नंबर 3 और 4। एंड सेकेंड वाला क्यू होगा, हम लोगों को मालूम हो गया सेकेंड वाला, तो एल के बाद क्यू ही आएगा, तो क्यू, एल के बाद क्यू ऑप्शन वाला एक ही है, तो वही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो अभी हो गया क्वेश्चन नंबर 48, ये देखो क्लासरूम कम्युनिकेशन इज़ अ ट्रांजेक्शनल प्रोसेस, हाँ ये तो ठीक है, क्लासरूम कम्युनिकेशन ट्रांजेक्शनल प्रोसेस होते हैं, है ना। तो असर्शन ए इज़ द ट्रू स्टेटमेंट एंड रीज़न क्या दिया है, अ टीचर डज नॉट ऑपरेट अंडर द एजम्पशन दैट स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज आर पर्पसिव। एक टीचर क्या करते हैं, डज नॉट ऑपरेट अंडर द, टीचर का ये एजम्पशन नहीं रहता है, क्या एजम्पशन नहीं रहता है, टीचर का ये एजम्पशन नहीं रहता है कि वो जो वो जो सिखा रहे हैं उस पर स्टूडेंट रिस्पॉन्स करेगा कि नहीं करेगा, वो उस पर उसका एजम्पशन वो नहीं करते हैं। ऐसा है क्या? टीचर हमेशा एज्यूम करते हैं कि वो ये हम ये पढ़ाएंगे और उसका स्टूडेंट रिस्पॉन्स करेंगे, है ना, ऐसा एजम्पशन होता है टीचर के। तो ये तो फॉल्स हो गया। तो ये यहाँ पे करेक्ट हुआ ए। तो ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, तो ये आप लोग करके देखना ये कैसे चेंज हो रहा है। देखो कैसे हो रहा है, -1 देन 5 देन 15 देन 29, उसके बाद क्या आएगा पूछा है। तो -1 के बाद 5 आने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा, 6 प्लस करना पड़ेगा। -1 प्लस 6 करने से 5 आएगा, 5 के साथ 10 प्लस करने से 15 आते हैं, 15 के बाद 14 प्लस करने से 29 आएगा। तो कितना कितना बढ़ रहा है, 6 के बाद ये 10 मतलब 4 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 4 बढ़ रहा है। तो 14 के साथ 4 बढ़ेगा तो 18 होगा। तो 18 को 29 से प्लस करो तो कितना होगा, 47 होगा। करके देखना आप लोग, ठीक है। चलो, और अभी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। ये है क्वेश्चन नंबर 50। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस ही तो हम लोग वेन डायग्राम बना के देख सकते हैं। ठीक है, कैसे देखेंगे अभी देखो। यहाँ पे दिया है ये दोनों प्रीमाइसेस है और इनमें से ये कौन सा कंक्लूजन ट्रू होगा। ये दोनों प्रीमाइसेस है, इन दोनों को देख के आपको बोलना है कि इन दोनों से क्या क्या हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। तो फर्स्ट में क्या दिया है, मोस्ट ऑफ द डांसर्स आर फिजिकली फिट, ज़्यादातर डांसर फिजिकली फिट होता है। मतलब ये अगर फिजिकली फिट का सर्कल है, ये स्मॉल सर्कल, ज़्यादातर डांसर इसके अंदर ही आएंगे। ठीक है, ये सेकेंड सर्कल हो गया डांसर वाला सर्कल। देन मोस्ट ऑफ द सिंगर्स आर डांसर, ज़्यादातर सिंगर अगर डांसर है तो सिंगर में से ज़्यादातर, ये जो बड़ा सर्कल है ना वो सिंगर वाला सर्कल है, तो सिंगर के ज़्यादातर डी के अंदर ही है। देखा, तो हम लोगों ने ये वेन डायग्राम बना लिया कि मोस्ट ऑफ द डांसर्स आर फिजिकली फिट एंड मोस्ट ऑफ द सिंगर्स आर डांसर्स। तो आप लोग देखो फर्स्ट में क्या दिया है, मोस्ट ऑफ द सिंगर्स आर फिजिकली फिट। तो आप लोग देखो सिंगर हो गया ये बाहर वाला, मोस्ट ऑफ द सिंगर्स आर फिजिकली फिट तो इतना है। तो ज़्यादातर सिंगर फिजिकली फिट दिख रहा है क्या? नहीं, थोड़ा सा पोर्शन ही फिजिकली फिट दिख रहा है ना, तो ए नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द डांसर्स और सिंगर्स, अभी डांसर देखो, ये डांसर है, डांसर का है ना, तो डांसर का भी ज़्यादा पोर्शन सिंगर ही है ना, तो ये है। तो मोस्ट ऑफ द फिजिकली फिट पर्सनस आर डांसर, ज़्यादातर फिजिकली फिट पर्सन डांसर ही है, ये तो है। फिजिकली फिट का ज़्यादा पोर्शन, पूरा फिजिकली फिट ही डांसर के अंदर है, मतलब फिजिकली फिट पर्सन डांसर्स है। मोस्ट ऑफ द फिजिकली फिट पर्सनस आर सिंगर्स, ये नहीं होगा। तो आप लोग देखना है ऐसे वेन डायग्राम बना के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन, दैट मीन्स ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाते हैं 2017 के एजुकेशन पेपर 2 के सॉल्यूशन। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड लोगों के साथ एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को। ठीक है, चलो, बहुत जल्द मिलते हैं हम लोगों के नेक्स्ट वीडियो में।